नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोसिव मैथ पर स्वागत है। जैसा कि बहुत से लड़कों ने कहा कि सर ज्योमेट्री पर वीडियो बनाइए, मैंने सोचा आखिर ऐसा क्यों, लड़कों की मतलब ज्योमेट्री की इतनी डिमांड क्यों आ रही है वीडियो की। तो मैंने काफी क्लोजली मॉनिटर किया, काफी लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि सर मोस्टली SSC एस्पिरेंट काफी वीक होते हैं ज्योमेट्री में। तो मैंने सोचा आखिर ऐसा क्यों, तो मुझे पता चला कि इसका मेन रीजन वही है, विजुलाइजेशन। आजकल के लड़कों की विजुलाइजेशन काफी वीक है। तो मैं आपसे ये क्लियर कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी विजुलाइजेशन अच्छी नहीं है तो आप भूल जाएंगे, आपकी कभी ज्योमेट्री अच्छी हो सकती है। तो मैं अभी अपने कुछ एग्जाम्पल के साथ आया हूँ, जिससे मैं आपको दावा करता हूँ कि मैं अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका 100% आपकी विजुलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया है कि ये जो आपको ये शेप दिखाई दे रही है, जो भी इसमें क्या है कि जो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, XYZ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें ये रिलेशन पूछा गया है, ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको ये पता करना है कि कौन सा सही रिलेशन इनके बीच में, XYZ के बीच में। तो रिलेशन जो है, रिलेशन XY और Z के बीच में जो रिलेशन पूछा गया है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन कट करने के, इनमें से कौन से ऑप्शन कट हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो X है वो Y से भी ग्रेटर है और Z से भी ग्रेटर है, और Z सबसे छोटा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, Z less than Y and Z less than X। तो आपको पता चल गया कि 1YZ ग्रेटर देन 1YY, 1YY ग्रेटर देन 1YX। तो इसमें सब मैक्सिमम क्या है, हाईएस्ट, यही है ना हाईएस्ट, और ये तो लो मान लो इनको। तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि लो प्लस लो इज इक्वल टू हाई, सही है। एंड सेकंड ऑप्शन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लो प्लस हाई इज इक्वल टू लो, तो ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि लो में अगर आप हाई जोड़ रहे हैं तो लो कैसे आ सकता है, तो ये तो आप सीधा कट कर सकते हैं। एंड थर्ड हाई लो एंड लो, तो ये भी आप देख रहे हैं कि हाई ऐड हो रहा है तो लो आनी नहीं है, ये क्रॉस हो गया। तो आपके पास एक ये है लो प्लस लो एंड 2 into हाई, तो आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, A and D। तो A और D में आपको पता करना है कि कौन सा सही है। आपने दो ऑप्शन कट कर दिए, सबसे अच्छा मेथड है सबसे पहले ऑप्शन कट करने का, आपको यही आना चाहिए। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने क्या किया कि जो बाई थी वो एक्स से कम थी, लेकिन अब मैंने यहां बाई को एक्स के इक्वल कर दिया। जैसी बाई एक्स के इक्वल हुआ तो आप लोग देख सकते हैं सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये जो जेड होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग क्या है कि फिगर के साथ कुछ मतलब छेड़खाड़ किया करें। इसमें क्या किया मैंने कि जो बाई थी मैंने उसे क्या किया, उसे बढ़ा दिया, एक्स के कुल कर दिया। जैसे ही आप लोग देखेंगे एक्स के कुल किया तो आपको सिमेट्रिसिटी किसी से भी ये अंदाजा लगा लिया होगा कि ये जेड होगा वो XY2 और Y2, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब आप इजिली पुट कर सकते हैं इसमें, जैसे ही आपने फर्स्ट ऑप्शन में पुट किया 1YX + 1YF Z, आपको Z पता है, Z XY2 के 2 ऊपर चला गया, तो जैसे आपने देखा कि 2YX = 2YX, तो आपने देख लिया कि आपका ऑप्शन सही हो गया और ये गलत हो गया। लेकिन अभी आपको ये भी दिखाना है कि ये गलत कैसे हुआ। गलत देखिए 1YX
डी ऑप्शन जैसे आप देख रहे हो 1x + 1x इज इक्वल टू 2y x / 2 जैसे आपने लिख दिया इंटू 2, तो ये आपको पता चला 2yx इज नॉट इक्वल टू 4yx। तो आपको ऐसे ऑप्शन को हिट करना है और आपको ऐसे ऐसी कोई रचना करनी है, ऐसा कुछ सोचना है कि फिगर के साथ क्या किया जाए और कैसे आप इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिया गया है ए बी जो है एल एम के पैरेलल है और ये बी सी एंगल और ए एंगल ही पूछा गया है। चार ऑप्शन है आपके पास और बाई ऑप्शन भी आपको हिट करना मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जो मैं अभी आपको इसका जो इतना अच्छा मेथड बताने जा रहा हूं ना, बेस्ट मेथड जिसे आप कहेंगे कि आप विजुलाइज करना सीख जाएंगे कैसे विजुलाइज करना है। होता क्या है कि जो आपका एंगल ए आपसे पूछा गया है तो आपको करना क्या है, जो वो पॉइंट है ना, जैसे अपनी जैसे मैं अपनी तरफ इसको खींचता हूं, आपकी रस्सी भी समझ सकते हैं, अगर आप बीच से उसको खींचते हैं तो क्या होगा कि अगर आप इस पॉइंट को यहां लेके आए तो क्या हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसी ये स्ट्रेट लाइन बनी तो आपको पता है जो बी है एंगल बी है वो भी क्या है कि यहां आ जाएगा, इसका मतलब वो यहां से यहां आ जाएगा और सी भी यहां से यहां आ जाएगा। और आपको पता है एंगल ए था क्या, यही तो था ये वाला एंगल, ये जो है ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और बी 90 डिग्री हो ही गया और सी भी 90 डिग्री। 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हैं, इसको पाई बाय 2, इसको भी पाई बाय 2। अब बाई ऑप्शन जैसे आपको वैल्यू पुट करके देख लीजिए, क्योंकि आपने जो किया कि आपने ओ को अपनी ओ को मैंने अपनी साइड खींचा और इसको स्ट्रेट लाइन कर दिया, जैसे इसको स्ट्रेट लाइन किया तो बी और सी जो है वो 90 डिग्री हो गए और ये जो आपका एंगल ए है वो 180 डिग्री होगा। तो किस चारों ऑप्शन में आप पुट करके देख लीजिए कि किसमें ए की वैल्यू पाई आ रही है, इन वैल्यू को पुट करके। जैसे आपने पहले ऑप्शन में रखा, पहले ऑप्शन में क्या है पाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई हो गया 2 पाई प्लस ए आ गया, ये तो टोटली लॉजिकल है क्योंकि जो आपसे पूछा गया वो यही रख दिया, तो ये तो इसे प्योरली रॉन्ग कह सकते हैं। जैसे आपने ऑप्शन बी लिया, ऑप्शन बी में दिया गया 2 पाई माइनस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल है तो आपको पता है ऐसे ही इक्वल है तो ये 2 पाई हो जाएगा। आपको पता है आप देख भी सकते हैं कि ये जो एंगल है ये ए वाला, अभी अभी इसके थ्योरम से देखेंगे तो आपने जो किया उसके अकॉर्डिंग तो 180 आ रहा, लेकिन आप वैसे भी अगर देख रहे हैं तो ये 2 पाई लग रहा है कि, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और ये 2 पाई माइनस बी माइनस सी, जैसे आप सी ऑप्शन पर आए तो 2 पाई माइनस बी और सी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो ये पाई आ गया जो आपका आना चाहिए, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। अब डी तक तो वैसे ही जाने की जरूरत नहीं, देख भी सकते हैं आप बी और सी इक्वल है तो आपके कट जाएगा 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आना नहीं चाहिए, तो आपको पता है नॉर्मल कि ये आपका सी सही हो गया। लेकिन अभी आपको बाई ऑप्शन भी हिट करना बताऊंगा कि विदाउट कुछ किए आप कैसे बाई ऑप्शन, मतलब एग्जैक्टली हिट तो नहीं लेकिन आप ऑप्शन को कट कर पाएंगे, देखो क्या होता है। जैसे आपने ऑप्शन फर्स्ट लिया, इसमें क्या दिया गया है कि जो आपको केवल ये मेन फिगर देखना, आपको भूल जाना जो मैंने किया खींचा जो कुछ भी किया, आपको करना है कि ये वाला जो देखना है ये एंगल है, आपको पता है कि 180 से अबव है, जो ए एंगल है वो 180 से अबव है और 2 पाई से लेस है। तो करना क्या है, जैसे आपने देखा कि ये पाई प्लस मतलब 180 से अबव है, ए जो आपसे पूछा गया वो भी इन्होंने रख दिया, बी और सी भी एड होंगे, तो टोटली लॉजिकल है इसका, तो कोई समझ लो तो मतलब देखते ही गलत हो रहा है। इस पर आप सोच सकते हैं 2 पाई माइनस बी प्लस सी। अब आप एक चीज बताइए, हाँ इन दोनों को देख के आप क्या कह सकते हैं कि जो बी प्लस सी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, सॉरी बी और सी जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब आपको पता है कि 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो आप इस फिगर को थोड़ा विजुलाइज कीजिए, पता कीजिए। जैसे मान लो ये 45 है और इनके इसको मान लो 60 डिग्री है, तो आपने क्या किया 2 पाई माइनस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये भी गलत हो गया क्योंकि ये यहां से 2 पाई से अबव आ रहा, तो ये गलत हो गया। अब आपने 2 पाई माइनस बी माइनस सी,
तो इसमें क्या है, आपने 2π-45-60 डिग्री किया, जैसे ही आपने 2π-45-60 डिग्री किया तो आपका क्या हो रहा है कि आपको 60 45 कितना होगा 105, जैसे ही आप 360 में जैसे ही आपने 105 सब्सट्रैक्ट किए तो कितना आएगा देख लीजिए आप, आया ये 180 से है, वो भी है 360 से कम भी है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, मतलब इसका मतलब इसके चांसेस हैं। और 2π+b-c आपने क्या रखा, वही 45, अब इसको क्या कर दिया यहां रख के देख लीजिए, जैसे ही आपने 2π+45-60 किया तो ये 2π-15 हो गया, 2π-50 के मतलब 360-50 345। आप खुद सोचिए कि आपने कौन कौन से ऑप्शन गलत कर दिए, आपने क्या किया कि जो ये एंगल आपको लग रहा है कि मतलब एंगल देख के भी आपको लगना चाहिए कि 345 डिग्री हो सकता है, अगर ये टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ये थोड़ी तो ज्यादा है, ज्यादा तो ज्यादा है नहीं, तो ये 345 डिग्री आपको, ये एंगल आपको 15 डिग्री लग रहा है कि 15 से अब भी है ना, तो इसका मतलब 345 डिग्री हो नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन सी सही है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे बाय ऑप्शन कट करना है और कैसे दिमाग लगाना है, कैसे फिगर को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इन द ट्राइंगल PQR S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, जो S है वो QR का मिड पॉइंट है, सच एंड X इज एनी पॉइंट ऑन PR, X कोई पॉइंट है PR पर, मान लो जैसे X यहां है, एंड T इज द पॉइंट ऑन QR, T इज द पॉइंट ऑन QR मान लो जैसे यहां है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is 5.8 square centimeter and area of triangle RTX पूछा गया है, और ये भी कहा गया है कि PT SX के पैरेलल है, PT जो है SX के पैरेलल है, तो सबसे बड़ी चीज जो क्वेश्चन में कहा गया है कि T is a point on QR and X on PR। तो नॉर्मली जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा कठिन लगता है कि क्या किया जाए इसमें, तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, उसने इतना क्लियर कर दिया कि T जो है वो QR पर कहीं भी है और जो X है वो PR पर कहीं भी है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इसी को सॉल्व करने लगते हैं, कोई पॉइंट मान लिया, कुछ भी मान लिया, कुछ सोचते नहीं है, तो इसमें सोचना क्या है कि जो X पॉइंट है उसे अगर P की साइड मूव किया जाए और जो T है उसे S की साइड मूव किया जाए, तो मान लो जैसे T को थोड़ा इस साइड लाए, T को जैसे इस साइड लाए, जैसे T यहां आ गया तो जो X है पैरेलल करने के लिए X भी इस साइड मूव करेगा, तो X समथिंग यहां आ जाएगा। अब करना क्या है कि X को भी P पर मान लेते हैं, X को P पर मान लेते हैं, T को X पर मान लेते हैं, जो X पॉइंट है X पॉइंट ऑन P पर मान लो, और जो P पॉइंट है वो S पर मान लो, जैसी X पॉइंट को P पर माना और T को S पर माना तो क्या हुआ, फिगर ऐसा हो जाएगा P, S, Q, S तो मिड पॉइंट है ही,
आर और एस पी यहां आ गया, तो आपको पता है कि ये मिला दिया, जब ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन होगी और मीडियन ये डिवाइड कर देगी इसको ट्रायंगल को, और टोटल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5.8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस पार्ट की तो एरिया पूछा गया था आर टी एक्स, क्योंकि अब पी और एक्स पी की जगह और एस की जगह आ गई है, तो इसका जो एरिया होगा इसका हाफ होगा 2.9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है कि जब उसने इतना क्लियर कर ही दिया है कि जब ये पॉइंट इस पर कहीं भी हो सकता है तो यही मान लो ना इसको, कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए ऑप्शन टिक हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि जो ये भी फिगर दिया जो गया है इसमें क्या है, ए बी डी के पैरेलल है और आपसे बी सी डी एंगल पूछा गया है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो नॉर्मली आपको उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ना लोग इसका फिगर देख के काफी कंफ्यूज हो जाएंगे करना कि आपको पता है कि जब ये डी ए बी के पैरेलल है तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे आपने इसको बढ़ाया और ऊपर भी ये मिला दिया, तो ये डी जो है मान लो जैसे ये एम एन हो गया, तो डी और एम एन एक ही लाइन में होंगे, डी और एम एन स्ट्रेट लाइन में हो गए। जब डी ए बी के पैरेलल है, जब डी पैरेलल ए बी एंड एम एन भी पैरेलल होगा ए बी के, जैसे एम एन ए बी के पैरेलल हुआ तो ये आपको एंगल दिया ही गया था 115 डिग्री, और आपको पता है करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसमें नॉर्मल कर कह सकते हैं, इसे भी मिला दीजिए। जैसे आपने ऐसे मिला दिया आपको पता है ये 40 है, तो ये टोटल पूरा 180 होगा, तो इस साइड वाला ये 40 बचेगा। आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से देख लीजिए, एक्सटीरियर जैसे आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई की इसमें, तो क्या होगा कि जो ये 40 डिग्री है, जो इन दोनों एंगल का सम 115 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो जैसे 40 डिग्री से x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्लस x इज इक्वल टू 115, x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो कितना इजी मेथड है, आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, और कुछ नहीं है। 75